नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.4 प्रश्न 3 हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, आकृति 6.44 में एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी बने हैं। देखिए, ये एक बीएसबीसी है, इस पर एक त्रिभुज ये बना है एबीसी और दूसरा त्रिभुज ये बना है डीबीसी। ये दोनों ही त्रिभुज इस बेस बीसी पर बने हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। यदि एडी एडी बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करे तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए को डी के साथ जोड़ देंगे। तो हमने देखा कि यह बीसी को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये वाला बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, ये दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वह एओ बटा डीओ के बराबर होगा। आइए हम इसे हल करके देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो क्या कि ए से बीसी पर एक लंब खींचेंगे, इस प्रकार से जो यहां 90 डिग्री का कोण बनाएगा इसको ले लो ई। इसी प्रकार से डी से बीसी पर एक लंब खींचेंगे जो कि यहां 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इस बिंदु को ले लो एफ। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम दो त्रिभुज लेंगे ए ओ ई और डी ओ एफ। ठीक है बच्चों, इन ट्राइंगल ए ओ ई एंड ट्राइंगल डी ओ एफ। अब देखिए, सबसे पहले ए ओ ई ट्राइंगल में ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण 90 डिग्री है, यानी कि कोण ए ई ओ बराबर कोण डी एफ ओ, यह बराबर है 90 डिग्री है। और यह कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि यह शीर्ष अभिमुख कोण है, इसको कोण एक और इसको कोण दो बोल देते हैं। तो कोण एक बराबर होगा कोण दो के, क्यों, शीर्ष अभिमुख कोण। तो बच्चों ए ए समरूपता कसौटी, दो त्रिभुजों में यदि दो संगत कोण बराबर हों तो ए ए समरूपता कसौटी के अनुसार त्रिभुज ए ओ ई समरूप होगा त्रिभुज डी ओ एफ के। ठीक है बच्चों, हमने इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के समरूप सिद्ध कर दिया। और यदि ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी कि AE बटा DF यह बराबर होगा AO बटा DO के। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर एक। अब इसके आगे देखिए बच्चों, ध्यान से देखेगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। तो मैं यही लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, ये हमें निकालना है। अब देखो बच्चा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है ना बच्चों। तो देखिए, हाफ इंटू एबीसी, एबीसी में बेस है बीसी, इंटू हाइट, हाइट है एई। इसी प्रकार से ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी ट्राइंगल में ट्राइंगल के क्षेत्रफल का फार्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस तो यही है बीसी,
क्योंकि क्वेश्चन में दिया था इसी बेस पर बने हैं दोनों, इनटू हाइट, हाइट हो जाएगी बी सी डी, डीबीसी ट्राइंगल में हाइट हो जाएगी डी एफ, डी एफ एफ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए हाफ से हाफ कट गया, बीसी से बीसी कट गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी किसके बराबर आ गया, एई बटा डीएफ के, एई बटा डीएफ के बराबर आ गया। इसको ले लो इक्वेशन नंबर दो। अब इक्वेशन एक और इक्वेशन दो को आपस में मिलाते हैं। देखिए इक्वेशन दो है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी, यह बराबर है एई बटा डीएफ के, और एई बटा डीएफ किसके बराबर है, एओ बटा डीओ के, एओ बटा डीओ के। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी यह किसके बराबर होगा, एई बटा डीएफ, और एई बटा डीएफ एओ बटा डीओ के बराबर है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एईसी बटा एबीसी बटा डीबीसी बराबर होगा एओ बटा डी ओके। और बच्चों यही हमें सिद्ध करना था प्रश्न में, देखिए यही हमें सिद्ध करना था प्रश्न में, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी सिद्ध करो एओ बटा डी ओके बराबर है, तो हम यहां लिख देंगे सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न के माध्यम से हमने इसे हल कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं, उन प्रश्नों को समझ सकते हैं और अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।